गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगंतम वाग्मय ममतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरात रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः यस्यासादानगति ध्यान स्मरण तस्तिसम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम चिराकरुणयावतीर्ण कलम समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रिय हरिपुरठ सुंदर द्विजकदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत शची नंदन वंदे हम श्री गुरु वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दृशाम वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धं रागस्वतः काश्मीरम तलशोणिमोपतितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांति लहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयवीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावनुको हे भक्ति उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुतु मंद मते दयांतरा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की परम मंडल श्री विदग्ध माधव नाटक चौथा अंक उसमें 28वां पद्य हो गया था 29वें पद्य को प्रारंभ करेंगे। पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि श्री श्याम सुंदर ने कहा तो था मधुमंगल से श्री राधा रानी को लाने के लिए, परंतु श्री मधुमंगल ने पद्मा जी के साथ में मिलकर के श्री चंद्रावली जी को श्याम सुंदर के पास में अभिसार करा दिया और श्री श्याम सुंदर समझ नहीं पाए और श्री चंद्रावली जी को आप आवेश आवेश में राधा कह करके संबोधित कर देते हैं कि विपुनांतरे मिलंती मधुर रसा शीतल स्पर्शा समझने तद्वेरे ममताप नुत्तये राधा। और फिर अपनी बात को संभालते हुए कह रहे बोले राधा नहीं गड़बड़ हो गई जवान पलट गई धारा कह रहा था तो राधा निकल गया यमुना जी की धारा मेरे ताप को दूर करने में समर्थ हुई। अब श्री चंद्रावली जी तो मांग करेंगे करेंगे स्वाभाविक ही है ऐसा करोगे इतनी बड़ी गलती करोगे तो मांग तो होगा ही होगा। शिवप्रिया उस समय मांग कर रही है और श्री चंद्रावली जी के उदात्त मांग का श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कराए। मांग दो प्रकार का, एक मांग है ललित मांग और एक है उदात्त। उदात्त मांग वो जहां पर प्यारे के अपराध को देख करके भी सारा दोष अपने ऊपर लिया जाए अपने भाग्य को कोसा जाए
परंतु प्यारे से कठोर वचन नहीं कहे जाए उसका नाम है उदात्तमा। और जहां प्यारे को दोष दिया जाए टेढ़े वचन कहे जाए वहां पर उसका नाम है ललितमा। श्री चंद्रावती जी उदात्त मान प्रकट करती हुई चली गई। श्री श्याम सुंदर विराजमान है, विचार कर रहे हैं अब क्या किया जाए, कैसे चंद्रावती जी को मनाया जाए, परंतु मन में तो श्री राधा रानी जमी हुई है, विराजमान है, तो श्री राधिका का ध्यान कर रहे हैं। श्याम सुंदर को देखते हुए पद्मा और श्री मधुमंगल किसी तरह से उस समय विचार कर रहे हैं और श्री राधिका उनका आप ध्यान कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर जो है वो श्याम सुंदर चंद्रावती जी से को पुनः अभिसार कराया है श्री मधुमंगल ने। और इन्होंने श्री चंद्रावती जी के साथ में मिलन प्राप्त करके श्याम सुंदर विराजमान हुए हैं। इधर श्री प्रिया जी श्री विश्वानंदिनी वे अपनी कुंज में श्री श्याम सुंदर की प्रतीक्षा देखती हुई विराजमान है और कृष्णानुसार का स्वरूप धारण करके श्री प्रिया कुंज में श्याम सुंदर की प्रतीक्षा देख रही है। और वहां पर अष्ट नायिकाओं की जो अवस्था है उनमें से अधिकांश नायिकाओं की अवस्था वो श्री स्वामी के श्री अंग के द्वारा प्रकट हो रही है। आठ नायिकाएं निरूपण की गई है काव्य शास्त्र में, भरत मुनि ने भी और श्री उज्ज्वल नीलमणि में भी अष्ट नायिकाओं का वर्णन किया गया। उनमें पहली नायिका है उत्का या उत्कंठता। उत्कंठता नायिका वो जो नायक के गुणों को श्रवण करके उससे मिलने के लिए उत्सुक होकर के विराजमान हो, गुणों को सुन करके प्यारे से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हो, उसका नाम है उत्का। उसी नायिका का एक स्वरूप है जहां प्यारे से मिलने के लिए श्रृंगार उसको सखीय धारण करे, उस नायिका का नाम है वासक सज्जा। दूसरी नायिका है वासक सज्जा जो श्रृंगार धारण करके सज्जा धारण करके विराजमान होती है। तो उत्कंठता फिर वासक सज्जा, वासक सज्जा के बाद में नायिका का तीसरा एक स्वरूप सामने आता है वो है अभिसारिका, जहां श्री प्यारे से मिलन प्राप्त करने के लिए नायिका अभिसार करती हुई विराजमान हो रही है। अभिसार का दो प्रकार की निरूपण की गई, एक शुक्ला अभिसारिका और एक कृष्ण अभिसारिका। जो चांदनी रात में श्वेत वस्त्र धारण करके हीरा का श्रृंगार धारण करके जो सारे श्वेत पुष्प उनको अपनी माला में गूंथ करके जो पधारे वह है शुक्लानुसारिका। सखी भी शुक्ल वस्त्र धारण किए हुए है। कृष्णानुसारिका वो है जो श्याम रात्रि में काली रात में अंधेरी रात में जो अंधेरे में नीले वस्त्र धारण करके नीली कंचुकी उनको धारण करके आभूषण में ही जहां नीलम के थाप और हाथ विराजमान है, नीले जहां पर पन्ना के और नीलम के मरकतमणि के और इंद्र नीलमणि के आभूषण जिसमें विशेष रूप से विराजमान है, ऐसे आभूषणों को धारण करके श्याम ओढ़नी ओढ़ करके अपने हाथ में अंधेरी रात में जा रही है इसलिए दीपक को लेकर के और अंचल से दीपक को बुझने से बचाती हुई सखी के साथ में वार्तालाप करती हुई भयभीत होकर के भयानक रात्रि में भी बिना भयभीत होते हुए जो गमन करे मार्ग में अनिल जी का वर्णन आया सर्प है कहीं भूतनी है किसी पेड़ के ऊपर परंतु उससे भी भयभीत नहीं है, प्यारे के मिलन की उत्कंठा में उड़ी हुई जो चली जा रही है ऐसी नायिका का नाम है कृष्णावसारिका। और उस कृष्णावसारिका स्वरूप का वर्णन करते हुए विराजमान है। कभी कभी श्री सखीगण श्री प्रिया जी को उल्हाना देती हुई कह रही है कि अरे सखी तुझे अभिसार में कृष्ण रात्रि ज्यादा पसंद है,
तेरा नाम भी कृष्ण है, तू श्याम कंचुकी श्याम वस्त्र नील साठ का उसको ही विशेष रूप में धारण करती है, नैनों भी कच्चर सदा विराजमान, कान के आभूषण वक्षस्थल उनमें भी बीच में पदक में हीरा की स्थान पर बीच मुख्य पदक में कहीं नीलमणि लगी हुई है, तू कृष्णा है, फिर कृष्ण के साथ में इतना मान क्यों कर रही है, ऐसे मान को त्याग कर दे। तो नाम भी श्यामा स्वरूप भी तू वाय में भी श्यामा होकर के विराजमान, श्याम रात्रि ही तुझे पसंद है, श्याम आभूषण श्याम वस्त्र यही तुझे पसंद है, फिर श्याम के साथ में मान मत कर अली सखी प्यारे तेरी कुंज में पधार रहे हैं, उनको सम्मान दे उनको सम्मान दे, ऐसे सखी श्री प्रिया जी से। तो श्री प्रिया कृष्णानुसार का स्वरूप धारण करके यहां निकुंज मंदिर में पधारे, और तो वो हुआ अभिसार का स्वरूप। अब चौथी प्रकार की जो नायिका है उस नायिका का स्वरूप है, अष्ट नायिकाओं में चौथी प्रकार की नायिका उसका नाम है खंडिता। प्यारे की प्रतीक्षा देखे परंतु प्यारे नहीं आए, उस समय अपने सारे आभूषणों को जो उतार उतार करके शैया के ऊपर पटके कि हाय ये माला किसी काम की नहीं रही, ये हार आज प्यारे की सेवा में प्रयुक्त नहीं हुआ, ऐसा विचार करके जो अपने आभूषणों को दुखी होकर के त्याग करे उसका नाम है खंडिता। उस खंडिता नायिका के बाद में नायिका में विप्रलब्धा अवस्था उत्पन्न होती है। पांचवी जो अवस्था है नायिका का पांचवा भेद वो है विप्रलब्धा। विप्रलब्धा का मतलब है जिसको ठग लिया गया, जो कि विरहिणी होकर के विराजमान। फिर प्यारे जब आए और मान धारण करके बैठे और प्यारे का पहले तो अपमान कर दे निरादर कर दे और फिर बाद में क्लेश धारण करे, हाँ प्यारे जैसे तैसे तो आए और मैंने उनको सम्मान नहीं दिया, उस नायिका का नाम है कलहांतरिता। तो छठी नायिका है कलहांतरिता। और कलहांतरिता के बाद में फिर दो नायिकाएं और हैं, वो है क्रोशित भर्तृका, जहां दूर प्रवास है उस नायिका का नाम है क्रोशित भर्तृका। भर्तृका माने पति प्रिय, उसको क्रोशित माने जहां दूर भेज दिया गया है, उस नायिका का नाम क्रोशित भर्तृका। और आठवीं जो नायिका है वो है स्वाधीन भर्तृका, प्यारे आए और प्यारे जिसकी सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं वो स्वाधीन भर्तृका। तो उत्कंठिता, फिर बासक सज्जा, फिर अभिसार का, फिर खंडिता, फिर विप्रलब्धा, फिर कलहांतरिता, फिर प्रोषित भर्तृका और आठवीं है स्वाधीन भर्तृका। इनमें प्रोषित भर्तृका को छोड़कर के यहां मुख्य सात जो नायिकाएं हैं उन सात नायिकाओं की विभिन्न अवस्थाओं का श्री रूप गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में वर्णन किया है। श्री प्रिया विप्रलब्धा होकर के एकदम व्याकुल हो रही है, श्री कृष्ण जब बकुल कुंज में प्रवेश करते हैं तो बकुल कुंज में प्रवेश करके वे श्री राधिका के द्वारा त्याग की हुई शैया का दर्शन कर रहे थे। 28वें श्लोक में वर्णन कराए हैं कि शैया को देख रहे हैं कि वहां पर कहीं तांबूलम घनसार संस्कृत मिदम, कहीं तांबूल जो है जिसमें कपूर मिला हुआ है उसका त्याग कर दिया है, कहीं हाथ उतार करके शैया के ऊपर पटक दिए हैं, कान के आभूषण उनको शैया के तकिया के ऊपर ही श्री प्रिया ने छोड़ दिया है, और अपनी फूल की सुंदर पौष्पी पुष्प की बनी हुई जो बैनी थी उसको भी नोच नोच करके कहीं डाल दिया कि हाँ ये बैनी किस काम की, ऐसे ही ऐसी पौष्पी चे मुदार सौरव मई चूड़ा नखई खंडिता, नख के द्वारा उस खंडिता नायिका ने अपनी चूड़ा को निकाल निकाल करके फेंक दिया है,
तस्याशंसति विप्रलम्ब जनितम् कुंजोय मंतक्लमा। आज ये शैया और कुंज श्री राधिका की खंडिता अवस्था और उनके हृदय के क्लम माने दुख को प्रकट कर रहे। यहां तक हो गया था। ततः प्रविशति सखी भ्याम अनुगम्य माना राधा। इसके बाद में श्री सखियों के साथ में अनुगमन करती हुई श्री राधिका प्रवेश करती है और श्री राधिका कह रही है सामने देख करके हला गलते पश्चित वेद का निर्दिष्ट तम नारदा। श्याम सुंदर वहीं बोल रहे हैं श्री प्रिया जी श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए निमित निकुंज मंदिर से निकल करके और बाहर कुंज में चक्कर लगा रही थी। एक एक लता वृक्ष से पूछती हुई बोल रही थी। श्री प्रिया जैसे ही मुड़ती है वापस कुंज की ओर और वहां पर सूर्य वेदिका जो रखी हुई थी तो सूर्य वेदिका के पास में श्याम सुंदर को भी कहीं बैठे हुए देखते हैं। श्री राधिका ललता से कहती है अरे सखी देख देख वेदिका निर्दिष्टा तब नागरा। ये सूर्य वेदिका के पास में ये कौन बैठा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा नागरिक बैठा है। तो संबंध है ही नहीं तेरा नागर। ये रस की रीति है सखी के साथ में कितनी अंतरंगता है। ललता से कहती है अरे सखी तेरा नागर देख इस सूर्य वेदिका के पास में बैठा है। कितनी सखी एकदम अंतरंग होकर के सखी कैसे विराजमान है इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि तब नागर ये तेरा नागर पास में ही बैठा है। श्री ललता जी कह रही है बोले अरे सखी बिल्कुल इस समय कांचन प्रतिमेव कठोरा अब ऐसी कठोर बन करके बैठ जा जैसे तू सोने की मूर्ति है। श्याम सुंदर कितने भी हिलाए हिलना मत कठोर मान धारण कर लेना। ये चंद्रावती जी ने उपदेश दे दिया श्याम किशोरी जी को कि इस समय ढीले पड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल मान धारण करके बैठ जाना। सो कांचन प्रतिमा एवं सोने की प्रतिमा के समान अभि सखी कठोराभव कठोर बन जा कठोर बन जा। श्री कृष्ण जो श्री प्रिया जी को रूठे हुए किसी वृक्ष की पीढ़ी के ऊपर विराजमान देखते हैं उनको देख करके कह रहे हैं के पुरस्ताद पुरस्ताद ऐसा सह परवारा प्रिया। बोले अरे ये तो श्री प्रिया सामने ही अपनी सखियों के साथ में श्री राधिका ही विराजमान है। तद इदं उत्तंकयामि तो अब मैं इनके पास में जाती हूं जाता हूं ऐसा कहकर के श्री कृष्ण आप श्री किशोर जी के पास में पधारे। तद इदं उत्तंकयामि मैं इनके पास में जाता ऐसा कहकर के उपसृत्य श्री ललता और श्री राधिका दोनों के पास में जाते हैं और कहते हैं ललते साधु साधु बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। दृष्टम तव गरिष्ठम अत्र दुर्मंत्र तंत्र चर्यायाम आचार्यत्वम आज तेरी दुष्ट सलाह देने में तू जैसी आचार्य है तेरे उस आचार्य रूप का मैंने दर्शन कर लिया कि कैसी उल्टी सीधी शिक्षा दे रही है। ये कितनी मीठी कितना उलाहना कितना मीठा उलाहना है कि दृष्टम आज देख लिया मैंने गरिष्ठम माने भारी गरिष्ठ माने भारी दुर्मंत तंत्र चर्या दुर्मंत तंत्र की उपदेश देने में तेरा आचार्यत्व आज मैंने देख लिया कि कैसी दुर्मंत तंत्र की तू दीक्षा देने वाली है दुर्मंत तंत्र का कैसा प्रयोग करने वाली है। तदद्य लो मुझे तो तूने केशर नुकुंज वेद्यां अहम उज्जागर वृत दीक्षां पर ग्राहकों सुनी मुझे तो केशर कुंज के भीतर
प्रतीक्षा करने का, जागरण करने का व्रत तुमने दिला दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मैं तुम दोनों की केशव पुंज में बैठा हुआ, पूरी रात हो गई वहां परीक्षा कर प्रतीक्षा करते करते हैरान हो गया, जब नहीं आए हो तो ढूंढता ढूंढता यहाँ आया और तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, ये कहने का तात्पर्य है। परंतु कह रहे हैं कि तूने ये दुर्मंत्र तंत्र की दीक्षा मुझे प्रदान की है। तंत्र शास्त्र में कभी उलट बाणी, उलट बांसी उनकी बड़ी प्रसिद्धि रही। तंत्र शास्त्र और योग शास्त्र, उस योग शास्त्र के भीतर कहीं संध्या भाषा और उलट बांसी उनका प्रयोग, माने उलट बांसी एक ऐसी काव्य पद्धति रही जिसका अर्थ तो हो बिल्कुल उल्टा सा पर उसके आध्यात्मिक अर्थ तो उल्टे हो। जैसे नवी जो नाथ है, 84 सिद्ध उन्नो नाथ, नाथ संप्रदाय के गोरखपुर और गोरखनाथ उनके पद्धति में नौ नाथ हुए और उन नौ नाथों की जो भाषा रही योगियों की वो बड़ी उल्टी रही। कबीर की भाषा भी बड़ी उल्टी रही, अनेक अनेक उलट बांसी प्रकट की गई। उलट बांसी का तात्पर्य है कि उल्टी हुई सी जो दिखे, ऐसी भाषा जो कि उल्टी हुई सी दिखे, उलट मां माने उल्टे अर्थवादी सी दिखे। एक अचंभा देखा भाई, थारा सिंह चढ़ावे गाय, शेर को हमने गाय चढ़ाते चलाते हुए देखा, चेला के गुर लागे पाई, एक अचंभा देखा भाई। अब इनके आध्यात्मिक अर्थ कुछ अलग है, परंतु ऊपर से देखने में ये भाषाएं बिल्कुल उल्टी सी दिखे। तो योगियों ने 84 सिद्ध और नरनाथ विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए, श्री गुरु गोरखनाथ, भगीरथ नाथ, ओडम्बी नाथ, ये जो नौ नाथ हुए और विशेष रूप से आज भी जहाँ पर गोरखपुर में जो गोरखनाथ का मंदिर है उसमें गोरखनाथ भगवान विराजमान है और उनके शिष्य और उनकी जो भाषा है उनको ये देखें तो वो बड़े अद्भुत भाषा, ऊपर से देखने में उल्ट के ज्यों ज्यों बरसे कंबल भीगे पानी, उल्टी बात, बरसे कंबल और भीगे पानी, कंबल बरसता है और पानी भीगता है, उल्टी बात। तो ऐसी ऐसी जो उल्टी भाषा है कि हमने एक आश्चर्य देखा कि गुरु जो है वो तो युवक है और शिष्य वृद्ध है, बिना बोले भी जहां पर भाषण दिया जा रहा है। तो ये योगियों की भाषा है और गुरु युवक है, इसका मतलब है कि भजन का आस्वादन प्राप्त करते करते वो बड़ा भारी हो गया है, उसकी महिमा उसमें यौवन आया। पिया पिया सो रहा पिया, पिया पिया सो नहीं पिया, अब क्या मांगे पानी, सो पानी मुल्तान गया। ऐसी जो भाषा है माने पिया दिया सो पिया नहीं पिया, माने गुरुदेव ने जिस ब्रह्म रस का शिष्य को उपदेश दिया उस शिष्य ने उस ब्रह्म रस के उस ब्रह्मानंद का तो पान किया नहीं, जिसने पान कर लिया वो उस रस में पिया हुआ रहा। सो पिया दिया सो रहा पिया, पिया ने जो दिया था उसको जिसने पिया वो तो पिया हुआ रहा, और जिन न पिया सो न पिया, जिन्होंने उस रस को नहीं पिया उनको रस नहीं मिला। अब क्या मांगे पानी गोरख, अब उस पानी को क्या मांगे, सो पानी मुल्तान गया, वो पानी तो अब गया, वो पानी अब लौट करके नहीं आएगा, वो समय बीत गया। तो ऐसी जो भाषा है इसी का नाम है उलट बांसी। और ये तंत्र शास्त्र में विशेष रूप से जो योग तंत्र है उन योग तंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया। श्री श्याम सुंदर वो जो योगियों की पद्धति है, योग शास्त्र की और तंत्र शास्त्र की जो पद्धति है जिसमें विरोधाभासमयी भाषा का प्रयोग करके सैद्धांतिक तत्वों को कहीं दार्शनिक तत्वों को कहीं विरोधाभास के माध्यम से
उल्टी भाषा के माध्यम से उलट बांसी के माध्यम से जिनका वर्णन किया जाए, ऐसी उलट बांसी को जैसे तंत्र शास्त्र में अपनाया गया उसी पद्धति की ओर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, बोले अरे ललता तू भी उलट बांसी मुझे सिखाती रही, मुझसे तो कह दिया तूने कि इस कुंज में प्रतीक्षा करना और तुम कुंज में आई नहीं, तुम बैठी हो यहाँ और पूरी रात मैंने वो जागरण व्रत किया है, मैं रात भर जागता रहा हूं। तो जान गया कि दुर्मंत तंत्र चर्या में तुम आचार्य होकर के विराजमान हो, कि केशर कुंज वेद्याम मैं तो केशर कुंज की वेदी में उज्जागर व्रत दीक्षा रात्रि भर जागरण करने के व्रत की दीक्षा करते हुए विराजमान रहा और तुम यहां पर बैठी हो, मुझे तुमने वो व्रत में पारंगत करा दिया, तो दीक्षा व्रतम परिग्रह तो उसमें। श्री लंका जी क्रोध करती हुई कहती है, अहो भाई प्रीत देखो तो सही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते, गलती कर रहे हो तुम और हमसे हमको उलाहना दे रहे हो कि अहो भाई प्रीत्यम अहो भाई प्रीत्यम, क्या उल्टा हो रहा है क्या उल्टा हो रहा है। केशन कुंज कोहरे कोक बसंती सखी त्वया रहते, हाय हाय मेरी सखी की दशा देखो तो सही है राधिका की, कि ये केशर कुंज के इस कोहरे माने कुंज के भीतर निर्भर कुंज के भीतर केशर कुंज के इस कोहर में इस गुफा में केशर कुंज की इस गुफा में कुहक अरे कुहक कुहक माने अरे छलिया, ये संबोधन है और बड़ा मीठा संबोधन, अरे कुहक अरे धोखेबाज अरे छलिया हमको केशर कुंज की में हमारी सखी को वसंती विराजमान करके सखी त्वया रहते मेरी सखी तुम्हारे बिना केशव कुंज में बैठी हुई श्रुत नव पल्लव शयना नए पत्ते उनकी शैया को विरह शैया को बना करके उसके ऊपर ही सहारा लेकर के बैठी रही त्रुटिमपि कल्पाधिकाम मेने मेरी सखी त्रुटि को भी त्रुटिमात्र समय को भी कल्प से अधिक मानती है। त्रुटि कहते हैं एक क्षण का 27/16 भाग, उसका नाम है त्रुटि उगायते तो आम पश्यताम, एक त्रुटि भी तुमको न देख करके माने एक क्षण का 27/16 भाग उसको भी कल्प के समान ब्रह्मा के पूरे एक दिन के समान वह उसको व्यतीत कर रही है। कल्प अधिकाम में दोबारा सुन ले, केशर कुंज कोहरे केशर निकुंज के इस भवन में हे कुहुक अरे छलिया मेरी सखी वसंती त्वया रहिते निवास कर रही थी और तुम्हारे बिना श्रुत नव पल्लव शयना वो नए पल्लव के शयन का आश्रय लेकर के त्रुटिम अपि एक त्रुटि के समय को भी कल्पाधिकाम मैंने कल्प के समान मानती है। और महाभाव का एक स्वरूप रूपण किया कि यहां पर त्रुटि कल्प के समान युग के समान व्यतीत हो जाए, उसका नाम महाभाव, महाभाव का एक अनुभाव है। श्री कृष्ण झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए अपनी गलती कर रहे हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए कपटेन आटोपम नाटेन झूठ मूठ आटो गुस्सा उसको प्रकट करते हुए कि अहो दंभ भरारंभेशु गांभीर्य पश्या, इस ललता के दंभ के भर माने अधिकता में दंभ की अधिकता वाले आरंभ माने कार्यों में इसकी गंभीरता देखो, अर्थात दंभ पूर्वक कार्य करने में ये कितनी गंभीर है, दंभ पूर्वक कार्य करने में ये कितनी गंभीर है, जो कैसे दूसरे को कैसे अपनी गलती दूसरे के ऊपर कैसे डाली जाए इसको करने में ये ललता कितनी कुशल है। और ये कहकर के चतुर श्रोमणि नागर केशराणी उद्घाट्य दर्शन, कोई विश्वास नहीं हो तो देख लो मेरे हाथ में ये नाग केशर का
अपूर्व स्तवक विराजमान है और ऐसा कहकर के नागकेशर के स्तव को दिखा रहे हैं। ऐसी बड़े चतुर शिरोमणि अपनी गलती को छुपाने के लिए मन में पहले विचार करके आए कि प्रिया पूछेगी क्यों नहीं आए, तो कह दूंगा मैं तो नागकेशर कुंज में बैठा था, जबकि बात हुई थी केशर कुंज की, परंतु स्वयं पहुंच गए हैं नागकेशर कुंज में, तो नागकेशर कुंज को प्रमाण के लिए कि ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं तो नागकेशर कुंज में था, और उसके प्रमाण के लिए जबरदस्ती ढूंढ करके ये छलिया शिरोमणि कहीं दो चार नागकेशर की सुंदर किंजल को अपने हाथ में ले आए और कह रहे देखो विश्वास नहीं हो तो ये नागकेशर कुंज में बैठा हुआ था, मेरे हाथ में देखो ये नागकेशर लगी हुई है, ऐसा कहकर के नागकेशर कुंज को नागकेशरों को दिखाने लगे। और वो एक बात है ना, कहावत है ना, वो चोर की दाढ़ी में तिनका, डर भी रहे हैं कि ललिता जी तुरंत पूछेंगे कि पूरी रात यदि नागकेशर कुंज में बैठे रहे तो नागकेशरों को मुरझाया हुआ होना चाहिए, पर ये तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे अभी अभी तोड़ करके लाए हो, एकदम टटका दिख रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो उसके लिए स्वयं ही अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, ये चोर की डाली में तिनका वाली बात है, स्वयं अपनी ओर से ही सफाई दे रहे हैं कि अरे तिम मम निविपश्यन् क्लाम्यं नागकेशरो प्यसकृत् विगलन मधुवि कुसुमै एभिर्नेत्रै एवो दस्रै, कि इन नागकेशरों को देखो जिन्होंने अरित्य मम निष्पश्यम, रात्रि में मैं कितना व्याकुल था, अरति माने कैसे व्याकुल होकर के मैं तड़प रहा था, मेरी उस अरति को देख करके मेरी उस सुखमयी जो स्थिति, सुखहीन जो स्थिति है, कन्वीनियंट नहीं था अरति, वो मैंने एक स्वाभाविक जो सुविधापूर्ण स्थिति है उस स्थिति में मैं नहीं था, मेरी उस अरति को देख करके पश्चन अक्लाम्य नागकेशरों प्यसकृत, ये नागकेशर भी देखो अभी तक अक्लाम्यन ये मुरझाया नहीं है, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी अभी तोड़ करके लाई भी अभी अभी तोड़ करके, तो ये अभी अभी तोड़ करके आया है अक्लाम्यन, ये बिल्कुल टटका दिख रहा है, नया दिख रहा है, ये चोर की डाली में तटका है। विगलन मधुवि कुसुमै, और ये सुंदर कुसुमों से मधु धारा इसमें से अब भी टपक रही है, इसलिए एभिर नेत्रै एवो दस्रै, मानो मेरे कष्ट को देख करके ये नागकेशर भी